अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बेहतरीन और खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का बेहतरीन तरीका बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका होगा। इस तरीके से आप बैंक का पता ले लो, बैंक को इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से दोस्तों आप इसको प्रेस कर लें और इसके बाद दोस्तों हम फ्रंट पट्टी का भी कपड़ा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से हमने जो बैंक का कपड़ा प्रेस किया हुआ है जी। देखिए इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर जी जी दोस्तों आप अपने फ्रंट पट्टी ले लें, उसको भी आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा जिस तरीके से। दोस्तों हमारी फ्रंट पट्टी भी प्रेस हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट जेब का पीस ले लें, जितना आप फ्रंट जेब लगानी है, आपने सामने वाली जेब लगानी है उतने का आप पीस ले लें। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको प्रेस कर लीजिएगा, फ्रंट वाली जेब को भी आप इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अब ये हमने जो प्रेस कर लिए हैं चारों के तीनों पीस, इस तरीके दोस्तों आप जितना आपको ठोका होगा उतना आप निशान लगा लीजिएगा, इतना जितना आपने ठोका तैयार करना है इस तरीके से निशान लगा लीजिए। उस पर आपने 225 से ज़्यादा निशान लगाना है, जहाँ से हम कटिंग कर देंगे और जहाँ और दूसरी साइड पर भी आप हम आपको बताते हैं। इस तरीके दोस्तों आप इसको कटिंग कर दीजिएगा, ये आपने बिल्कुल साथ रखकर इसको कटिंग कर दे जहाँ तक हमारा निशान है। इस तरीके दोस्तों हमने ये निशान तक कटिंग कर लिया है, इसको अब हम मुकम्मल कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इस तरीके से आपने यहाँ से भी कटिंग कर दें, जो हम निशान लगाया उसके नीचे इस तरीके से आपने तकरीबन 2 इंच बनता है, जहाँ से आप इस तरीके से कटिंग कर दें। और ये हमारी फ्रंट पट्टी कटिंग हो चुकी है, हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर देंगे ऊपर से, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम रख लेंगे, बाकी कटिंग कर देंगे। और दोस्तों फ्रंट जेब ले लें जितनी आप तकरीबन, आपने 1 इंच छोड़कर इसको भी इस तरीके से हमने दूसरी साइड से कटिंग कर देना है जी। इस तरीके दोस्तों हमने इसको भी कटिंग कर देना है जी। इस तरीके दोस्तों आप इसको कटिंग कर दें जी। दोस्तों हमारी फ्रंट जेब का पीस है जी, हमने इसको भी कटिंग कर लिया है। और आपने अब बैन का पीस ले लें, बैन को भी आपने इस तरीके से निशान लगा लें 2.25 इंच के ऊपर जी। इस तरीके दोस्तों आप दूसरी साइड पर भी 2.25 इंच पर निशान लगा लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों जो हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम इधर से आप कटिंग कर देंगे, यहाँ से आपने कटिंग करना है इसको, नीचे वाली साइड की तरफ से हमें इसको कटिंग कर लेना, दोनों साइडों से हम इसको कटिंग कर लेंगे निशान लगा कर। और इस तरीके से दोस्तों हम इसको कटिंग करने के बाद आपको हम बताएंगे बेहतरीन डिज़ाइन जो हम तैयार करने वाले हैं, वो आपको इंशाल्लाह पसंद भी आएगा। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी जल्दी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। इस तरीके से दोस्तों आपने ये देखो, हमने ये कटिंग कर लिया है बैन का पीस, इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा जी। इस तरीके से दोस्तों अब आपने क्या करना है जी, अब दोस्तों हम ऊपर तरफ से इस तरीके से निशान लगा रखे इसको कटिंग कर देंगे, जिस तरीके से हमने नीचे वाला कटिंग किया हुआ है। जिस तरीके दोस्तों आप इसको कटिंग कर लें, ये हमारा बैन जो है गुलाई की शेप में है, जिस तरीके दोस्तों हम दोनों साइडों से इसको कटिंग कर लेंगे जी। इस तरीके दोस्तों ये हमारा बैन कटिंग हो चुका है, इसके बाद हम आपको बताते हैं जो हमारे मुकम्मल पीस कटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर हम जो कपड़ा सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम जो कपड़ा सेलेक्ट करने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। जो रेशमी धागे से हम सिलाई भी लगाएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे, जिस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखें आप कपड़ा जे वाला हम इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरीके दोस्तों आपने छोटे पीस कर लीजिए, जितने आपने जो कटिंग किए हुए हैं पट्टी के पीस, तरीके से आपने इसको एक साइड से 200 तरफ फोल्ड कर दीजिएगा उस कपड़े को, डिज़ाइनिंग वाले कपड़े को। इस तरीके दोस्तों आप इसको कटिंग कर दें और इस तरीके से आपने दोस्तों जहाँ से नीचे मगजी निकालेंगे, इसी तरीके से आप मगजी निकालते होंगे, इसी तरीके से जो मगजी निकालेंगे ये दोस्तों मुकम्मल मगजी नहीं होगी, ये तकरीबन हम आधी मगजी निकालेंगे पूरे सूट के ऊपर, पूरे पट्टी के ऊपर नहीं निकालेंगे इसको, आधी उस साइड पर और आधी उस साइड पर निकालेंगे जी। इस तरीके दोस्तों अब हम सिलाई लगा लेंगे जी। इस तरीके दोस्तों हम सिलाई लगा लेंगे, आपने आधे पैर की मगजी निकालनी है, हमने आधे पैर की मगजी निकालनी है, जहाँ तक हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ तक आप सिलाई लगा लें जी। इस तरीके दोस्तों आप जहाँ तक सिलाई लगा लें जी दोस्तों, जहाँ तक आप रिवर्स कर दें, यहाँ पर आपने रिवर्स करना क्योंकि हमने मगजी तोड़ नहीं लगानी। इस तरीके दोस्तों आप मगजी लगा सकते हैं ये देखे दोस्तों, इस तरीके से हमारी मगजी तैयार हो जाएगी एक साइड पर। और दोस्तों अगर आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर आपको ये मुश्किल लगती है मगजी लगाना इस तरह, तो फिर आप इस तरीके कर रहे हैं मगजी ऊपर रख लें, इस तरीके दोस्तों आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। इस तरीके दोस्तों आप मगजी ऊपर तरफ रख कर इसको निशान के बराबर रख कर इसका आधे पैर की आप फिर आप जो हमने कपड़ा ज़्यादा कटिंग किया हुआ है पट्टी का, उसकी तरफ हम मगजी लगा लेते हैं। और इस तरीके दोस्तों आप इसको मगजी निकाल रहे हैं हम इसकी, ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होने वाला है। इस तरीके दोस्तों आप इसको तैयार कर सकते हैं जी। इस तरीके दोस्तों आप ये मगजी निकाल लें आधी इंच की, हमने ये आधे सूत्र की जो हमारे पैर की, आधे पैर की जो हमने मगजी निकाल ली है,
इसलिए दोस्तों आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप पट्टी हमने मुकम्मल कर ली है, बैन का पीस है, बैन का पीस भी आप इस तरीके से इसको प्रेस कर रहे, इसको मर्जी लगा लीजिएगा निशान तक, जितना हमने निशान लगाए हैं इस तरीके से आप इसको मर्जी निकाल लीजिएगा। इस तरीके दोस्तों आप मर्जी निकाल लें। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा तैयार होने वाला है। इस तरीके से हम ये निशान के बराबर रखकर इसके ऊपर हम मर्जी निकाल लेंगे, मर्जी लगा लेंगे इस तरीके से दोस्तों हम जी। दोस्तों यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगानी है, आपकी सिलाई आगे पीछे ना हो, क्योंकि जो फ्रंट बैन पर जो फ्रंट पट्टी और फ्रंट बैन पर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से हम ये आपको बता रहे हैं। जी यहाँ पर आप काम सफाई से करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो फ्रंट चीज़ फ्रंट होती है, फ्रंट पट्टी होती है, फ्रंट बैन होता है, सामने वाली हिस्सा होता है, तो सामने खूबसूरती होती है। इसलिए कि आप अगर जहाँ पर नहीं लगाएंगे तो वह खूबसूरती सामने पर नहीं आएगी। इसी के दोस्तों आपने जो देखा, हमने जो मर्जी छोटी साइड बड़ी साइड पर निकाल ली, अब छोटे पीस हम लगा लेंगे वो उसी तरीके जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं और जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी मजीद वीडियो जितनी भी हम तैयार करेंगे वो आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों जी हमने ये भी एक साइड पर लगा लिया, अब आप फिर आप दूसरी साइड पर भी इस तरीके से लगा लें। और दोस्तों आप फ्रंट जेब पर लगा लेंगे, हम बैन का पीस भी हमारा हो चुका है, हमारे पट्टी का पीस भी हो चुका है, अब फ्रंट जेब रहेगी, इसको भी हम इस तरीके से मर्जी निकाल लेंगे। दोस्तों जी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, इस तरीके दोस्तों हमने जब मुकम्मल कर लिया, जहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे, अब आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप ये धागा हम इसके अंदर फिरकी के अंदर बार का इसको नीचे डबल धागा बार लिया, फिरकी के अंदर अब हम इसके साथ पैर की सिलाई लगा लेंगे। जो मर्जी हमने निकाली हुई है, बड़ी मर्जी ज़्यादा मर्जी है, जो उसके साथ हम पैर की सिलाई लगा लेंगे रेशमी धागे से। जी इस तरीके दोस्तों आप सिलाई लगा लीजिएगा। जी दोस्तों जी आपने मुकम्मल सिलाई नहीं लगानी, जहाँ तक हमारी बड़ी मर्जी लगी हुई, ज़्यादा मर्जी लगी हुई, वहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं सिलाई को। जी दोस्तों जी हमने सिलाई लगा ली है, बहुत खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो रहा है, सिलाई बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी। इसी तरीके से दोस्तों आप मर्जी भी हम इसी तरीके से लगा ली हमने और बहुत खूबसूरत हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। दोस्तों आप बैन के पीस पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिएगा। जी दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका हमने आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया, हमारे मजीद डिज़ाइन भी नेट के ऊपर पड़े हैं, यूट्यूब के चैनल हमारा चैनल जो साहिवाल टेलर है, इसके ऊपर हमारे मजीद डिज़ाइन अच्छे अच्छे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। और इस तरीके दोस्तों आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बैन का पीस की सिलाई लगा ली है हमने। और दोस्तों आप फ्रंट पर जेब ले लें, इसके ऊपर भी आपने वो जितनी आपने मर्जी लगाई उतनी आपने सिलाई लगा लीजिएगा। जी दोस्तों बहुत सिंपल सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो रहा है। जी इस तरीके से दोस्तों आप सिलाई लगा लें फ्रंट जेब के ऊपर भी। दोस्तों ये देखें हमने तीनों पीसों पर सिलाई लगा ली हैं। इस तरीके दोस्तों आप सिलाई लगा सकते, अब इसको हम ये आप कपड़ा नीचे पर अटैच कर लेते हैं, पट्टी का फ्रंट पट्टी का जो हमने इस तरीके से हम इतने नीचे कपड़ा अटैच कर लेते हैं पट्टी को तैयार करने के लिए, फ्रंट पट्टी जितनी हम लगाने के, क्योंकि जो दोस्तों ये हमारी जो पट्टी ये मर्जी है ये बाहर वाली साइड की तरफ आएगी, जहाँ पर कपड़ा लाजमी लगेगा, क्योंकि अंदर वाली तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ होगी ये हमारी मर्जी। जी इस तरीके दोस्तों आप इसको लगा लीजिएगा, जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, इसलिए कि हमारी मजीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों जी देखें जी हमने ये अब इसको कपड़ा कटिंग कर देंगे, जी तकरीबन दो दो सूत्र छोड़कर जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम रख लेंगे, और उसके बाद बाकी कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। जी इस तरीके दोस्तों हमने ये कटिंग कर दिया है, इसके बाद हम इसको तैयार कर लेंगे पट्टी को भी। और अब पट्टी दोस्तों जी इसकी अब तो हम डबल पट्टी को प्रेस करेंगे, इसके ऊपर डबल बुकर में लगाएंगे, क्योंकि जब पट्टी के ऊपर जो हमने सिलेशन सिलाई भी लगाई हुई है, मर्जी भी लगाई हुई है, इस तरीके से दोस्तों हम डबल पट्टी लगा लेंगे, इससे आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी हो और बेहतरीन लगेगी डबल पट्टी लगाने से बुकरम की। और बैन का भी इसमें आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये देखें हमारा बैन भी तैयार हो चुका है, और ये हमारी फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है, और ये दोस्तों हमारी फ्रंट ये भी तैयार हो चुकी है। इस तरीके दोस्तों जो आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों हमारा सिंपल सा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी मजीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों हमारा सूट भी तैयार हो चुका है, देखें बहुत ही खूबसूरत हमने सिलाई कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जो देखें आपको पसंद आया होगा डिज़ाइन, जिस तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं। देखें बैन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और हमारी फ्रंट पट्टी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, हमारी ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरीके दोस्तों हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत तैयार हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों खुदा हाफिज़, शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।